प्यारे बच्चों, आप लोगों ने रकार रिकार रेप के बारे में सुना होगा। सुने हो? यस। हाँ, इसके अलावा कई बार आपने हकार लकार तकार इस प्रकार के शब्दों के बारे में भी सुना होगा, है ना? यस। तो रकार का या रिकार का, ठीक है, या हकार का क्या आशय है, क्या अर्थ है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। इसके पश्चात आपको इस प्रकार के शब्दों के उदाहरण भी बताएंगे, ठीक है? yes, और कहां आप त्रुटियां करते हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रकार की। तो रकार का क्या अर्थ है, रकार का क्या अर्थ है? तो रकार का आशा है रा वर्ण से युक्त, रा वर्ण से युक्त, अर्थात जिस शब्द में रा वर्ण है। क्या है? रा वर्ण है। और रा वर्ण तो है, किंतु रा वर्ण के साथ कोई दूसरा वर्ण संयुक्त हुआ है, ठीक है? रा वर्ण के साथ कोई वर्ण संयुक्त हुआ है, और जब हम ऐसी परिस्थिति में र का प्रयोग करते हैं तब ऐसे शब्दों को रकार युक्त शब्द कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं क्रम। क्या लेते हैं? क्रम। अब क्रम में आप देखिएगा, इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो इस प्रकार हम लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे आधा क फिर र और म। तो इस तरह से इसको संयुक्त करेंगे तो कैसा बनेगा? क्रम बनेगा। अब यहां पर जो क है ये र के साथ संयुक्त हुआ है, यानी यहां पर पूरा र है आधा क है, तो ये मिल करके क्या बना? ये क्र बना, और ये फिर म अंत में जोड़ दिए, तो क्या हो गया? क्रम। तो ये रकार युक्त शब्द है, ठीक है? yes. इसी प्रकार यदि हम एक शब्द ले प्रथम, क्या ले? प्रथम। तो प्रथम में आप देखेंगे इसको अलग 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 हम यदि मान लो विस्तार करके लिखेंगे आधा प फिर ठिरा और फिर था और एक मा, ठीक है? तो यहां पर ये है र और आधा प और र मिलकर क्या हो गया? प्र हो गया। फिर ये था और ये मा। अब बच्चों इनको भी हम तोड़कर लिख सकते हैं, यदि हमको लिखना है मान लो तो हम ऐसा लिखेंगे प र फिर अ फिर था फिर अ फिर यहां पर मा और ये आ, ऐसा लिखेंगे विस्तार करके, है ना? परंतु हमने आपको समझाने के उद्देश्य से बताया कि र के साथ में आधा प संयुक्त हुआ है ना, और इस प्रकार प्र का प्रयोग किए हैं, तो यहां प्र में आप देखेंगे पूरा र और आधा प सम्मिलित है, इसलिए क्या होगा? रकार होगा, ठीक है? yes, अब हम आगे बात करते हैं रिकार की। आगे बात करते हैं रिकार। तो रिकार का मतलब क्या है? जैसा अभी हमने आपको समझा कर बताया कि रकार अर्थात र वर्ण से युक्त, और रिकार का मतलब री वर्ण से, री वर्ण से युक्त, यानी जिन शब्दों में री वर्ण आया हो या मात्रा के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, ऐसे शब्दों को हम रिकार युक्त शब्द कहते हैं। बात समझ आ रही है? yes, जैसे हमने लिखा यहां पर हृदय, क्या लिखा? हृदय। तो यहां पर ह में री की मात्रा लगी हुई है, क्या लगी हुई है? री की मात्रा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? yes, हमने कहा कृपा, ठीक है? yes. तो कृपा में यहां क में री की मात्रा लगी हुई है, कृष्ण, ठीक है? yes. यहां पर री की मात्रा लगी हुई है, पृथ्वी,
यहां पर प में रि की मात्रा लगी हुई है, तो ये रिकार युक्त शब्द है। कौन सा शब्द है ये? रिकार युक्त शब्द। अब हम बात करते हैं रेप की। तो बच्चों रेप का अर्थ है आधा र, आधा र। जिन शब्दों में आधा र का प्रयोग होता है उन शब्दों में ये जो आधा र है इस प्रकार रेप के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे हम लिखेंगे कर्म, तो क और म में ये र के रेप लग जाएगी। अगर हम इसका विस्तार कर दें, मतलब इसको तोड़ दें, तो यहां पर क, ठीक है, फिर धन आधा र और फिर यहां पर म। तो ये जो आधा र है ऐसा न लिखते हुए इस आधा र के लिए हम इस प्रकार का रेप लगा देते हैं और ये र को हटा देते हैं, तो इस प्रकार कर्म हो जाता है ना? Yes, sir. बस समझ आ रही है? Yes, sir. इसी तरह हम लिखेंगे कर्तव्य, कर्तव्य, ये है ना। इस प्रकार से ये जो आधा र है ये इसको हमने तथ्यों को इस प्रकार लगा दिया, इस प्रकार का सिंबल बना दिया, संकेत बना दिया, तो ये कहलाता है रेप। इसका भी नियम यह है कि जहां पर भी आधा र का उच्चारण होता है तो उस आधे र के लिए रेप को हम उसके आगे वाले वर्ण में लगा देते हैं। जैसे कर्म में, जैसे यहां देखो बीच में क के बाद र आया है, आधा र आया है, तो इस आधे र के लिए हम उसके बाद म है, तो म के ऊपर प्रकार की हम रेप लगा देते हैं, ठीक है? Yes, इसके नियम है। तो बच्चों ये आपको हमने बताया रकार, रिकार और रेप के बारे में। अब आप समझ गया होगे कि रकार का मतलब क्या है, र वर्ण से युक्त शब्द, रिकार यानी रि वर्ण से युक्त शब्द। और इसी तरह से यदि हकार कहा जाए तो ह वर्ण से युक्त, हकार कहा हमने तो हकार का मतलब ह वर्ण से युक्त या सहित। यदि हम मकार कहें तो मकार मतलब म वर्ण से युक्त, तकार कहे तो त वर्ण से युक्त, लकार कहेंगे तो ल वर्ण से युक्त, ठीक है? Yes. यहां पर जो कार है, ठीक है, इससे यह आशय होता है कि उस इसके आगे जो शब्द वर्ण जुड़ा हुआ है ना, उस वर्ण से युक्त, उस वर्ण से के सहित, ठीक है? Yes, तो आप समझ गए? समझ गए? Yes, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए, बोलिए जय हिंद।